एवरीबडी वॉन्ट्स अ फ्लैट एंड स्लिम स्टमक, बट हमें से बहुत सारे लोग वर्कआउट करना पसंद नहीं करते हैं या फिर कर नहीं पाते हैं। ऐसे में हमें अट्रैक्ट करती है स्लिमिंग बेल्ट, जिसे स्लिमिंग स्वेट बेल्ट भी कहा जाता है। स्लिमिंग स्वेट बेल्ट ऐसा दावा करती है कि इसको पहनने से यू विल गेट अ फ्लैट एंड टोन टमी, वो भी विदाउट एनी वर्कआउट। इज इट ट्रू? क्या स्लिमिंग बेल्ट एक्चुअल में काम करती है? चलिए पता लगाते हैं इस वीडियो में। स्लिमिंग बेल्ट मार्केट में इजीली अवेलेबल एक चौड़े साइज की बेल्ट होती है। एज यू कैन सी गाइस, दिस इज अ स्लिमिंग बेल्ट और ये काफी चौड़ी होती है, सो दैट आपकी पूरी कमर के एरिया को ये कवर कर पाए। एंड इसका जो साइज है वो भी बहुत अच्छा है। साइड में यहाँ पे वेलक्रो लगा हुआ है और ये वेलक्रो हर जगह पर चिपक सकता है, तो वैसे आप अपनी कमर के साइज के अकॉर्डिंग से एडजस्ट कर सके। और इसका साइज, इसकी लेंथ बहुत अच्छी है ताकि मोटा पतला हर टाइप का इंसान इसको पहन सकता है। सो गाइस, आपको मार्केट में इस टाइप की बहुत सारी स्लिमिंग बेल्ट देखने को मिल जाएगी और आप बहुत सारे एडवर्टीजमेंट भी देखते होंगे जिसमें ऐसा दावा किया जाता है कि ये बेल्ट को पहनने से आपका जो टमी फैट है वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। और कुछ ऐसे लोगों के पिक्चर्स या वीडियो आपको देखने को मिलते हैं जिसमें इसको पहनने के बाद उन्होंने ट्रेमेंडस वेट लॉस किया है। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो गाइस आई मस्ट से कि ये सारे एडवर्टीजमेंट हाईली स्क्रिप्टेड होते हैं। दोस्तों, जब भी आप अपने टमी पे कुछ थिक या टाइट पहनेंगे तो इट्स नेचुरल कि आपका टमी एक्स्ट्रा स्वेट रिलीज करेगा। इससे आपकी टमी का वाटर वेट कम होगा और ये आपको हो सकता है कि टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए स्लिम दिखाए। यस गाइस, टेम्परेरी। सो गाइज, एज यू कैन सी कि इस बेल्ट में यहाँ पे रबर लगा हुआ है। इसी तरह कई सारी बेल्ट में कुछ और मटेरियल यूज किया जाता है। तो जब आप इसे अपनी कमर पे टाइटली बांधते हैं और एयर पास नहीं हो पाती है तो आपके कमर से एक्स्ट्रा जो स्वेट है वो बाहर निकलता है। आपका फैट बिल्कुल भी कम नहीं होता है, बट हाँ, आपके टमी का एक्स्ट्रा वाटर वेट जो होता है वो कम हो जाता है पसीने के रूप में बाहर आके। और जैसे ही आप दोबारा हाइड्रेट होते हैं यानी कि पानी पीते हैं, आपका टमी बिल्कुल फिर से पहले के जैसे हो जाता है। सैड बट ट्रू गाइस कि आप अपने टमी से एक इंच भी कम नहीं करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ स्लिमिंग स्वेट बेल्ट पहनने से उनका टमी फैट मेल्ट हो जाएगा और उनकी वेस्ट लाइन कम हो जाएगी, तो दिस इज नॉट पॉसिबल गाइस, क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। अब मैं आपसे शेयर करती हूँ इस स्लिमिंग स्वेट बेल्ट के साथ अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने इसे विंटर्स, समर्स, हर वेदर में पहन के देखा है। पहले मैं आपको बताती थी, जब मैंने इसे समर में पहना तब क्या हुआ। मैंने इसे समर में पहले कुछ घंटे पहन के देखा, फिर पूरा दिन पहन के देखा। जब मैंने इसे बहुत देर, चार से पांच घंटा या पूरा दिन पहना रहा, उसके बाद मेरी स्किन पे इस पूरे एरिया में रेड रैशेस हो गए। क्योंकि ऑफकोर्स गाइस, अगर आप कोई चीज़ पूरे दिन अपने बॉडी पे पहन के रखेंगे टाइट और जिसकी वजह से आपकी बॉडी में स्वेट आएगा तो फिर बैक्टीरियाज भी पैदा होने के चांसेस होते हैं। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो हो सकता है 2 से 3 घंटे में पहनने के बाद ही आपको अपनी स्किन पे इचिंग या रेडनेस फील होने लगे। तो यही मेरे साथ भी हुआ। जब मैंने इसे कुछ घंटे पहन के देखा तो पसीना तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली नेचुरल है कि अगर मैं कोई टाइट चीज़ या ऐसी चीज़ पहनूंगी जिसे एयर पास नहीं हो रही है तो पसीना तो बाहर आएगा। समर्स में इसको पहनने से वेट तो कम नहीं हुआ, बट मुझे मिली ईचिंग, रेडनेस एंड इरिटेशन ऑन माय स्टमक। उसके बाद गाइस, मैंने इसे विंटर्स में ट्राई किया। विंटर्स में पूरा दिन पहनने के बाद भी मुझे बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं आई इसे पहन के, क्योंकि विंटर्स में ऑलरेडी टेम्परेचर इतना लो रहता है कि आप ऑलरेडी बहुत सारे गर्म कपड़े पहनते हो अपने को वार्म रखने के लिए। तो विंटर्स में जब मैंने इसे पहना तो मुझे बिल्कुल भी स्वेट रिलीज नहीं हुआ। दैट मीन्स कि ये काम करेगी सिर्फ समर्स में जब टेम्परेचर हाई है, लेकिन उसके बाद आपको स्किन प्रॉब्लम होने लगेगी। तो गाइज, अगर मैं कहूँ कि ये बेल्ट बिल्कुल भी यूजलेस होती हैं तो वो भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये बेल्ट मुझे एक टाइम पे थोड़ी यूजफुल लगी है और वो है वर्कआउट के टाइम पे। यस गाइस, मैं ये बेल्ट पहनती हूँ जब मैं वर्कआउट करती हूँ। तो यस, वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले जब मैं टाइटली अपनी वेस्ट लाइन पे इसे बांधती हूँ तो मैं एक एक्स्ट्रा प्रेशर फील करती हूँ अपने टमी एरिया पे। तो आई पर्सनली फील कि अगर वर्कआउट के टाइम पे आप ये बेल्ट पहनते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा एक सपोर्ट मिलता है अपनी वेस्ट लाइन पे और मे बी आप एक टाइटनेस फील करते हो। तो हो सकता है कि अगर आप टमी फैट लॉस करने के लिए वर्कआउट कर रहे हैं और वर्कआउट के टाइम पे ये बेल्ट पहन रहे हैं तो ये उस टाइम पे आपको थोड़ा बहुत हेल्प करें।
लेकिन सिर्फ इस बेल्ट को पहनने से ही आपका टमी फैट कम नहीं होगा, आपको वर्कआउट करना ही पड़ेगा। रिमेंबर, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर अ हेल्दी एंड स्लिम बॉडी। हेल्दी एंड स्लिम बॉडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिशियस एंड बैलेंस्ड डाइट एंड रेगुलर वर्कआउट। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू एंड स्लिमिंग स्वेल बेल्ट को लेकर आपके जो डाउट हैं शायद कुछ हद तक क्लियर हुए हों। अगर फिर भी आपको लगता है कि स्लिमिंग बेल्ट आपको एक बार ट्राई करना चाहिए तो स्पाइक के इस स्लिमिंग स्वेट बेल्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड और वीडियोस मैं आपके साथ ऐसे ही शेयर करती रहूंगी। गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन। अगर यूजफुल लगा ये वीडियो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। टेक केयर योर सेल्फ, बी हैप्पी, हेल्दी एंड डू रेगुलर वर्कआउट। जल्दी मिलती हूँ आपसे, बाय।